हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स अबाउट शुगर इंसान और आज हमारे साथ मेरे मित्र हर्षित एंड हांडा। चलो हाय बोलो। हेलो बच्चों। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले पूरे समाज की तरफ से मैं सबके सामने हाथ जोड़ के हग्गू से क्षमा मांगता हूँ। मैंने इस पर बहुत अत्याचार करे हैं, हर वीडियो में इसको उड़ा उड़ा के फेंका है। चलो भाग। तुम लोगों ने जस्टिस फॉर हग्गू के हैशटैग चला रखे हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। जस्टिस फॉर हग्गू, जस्टिस फॉर हग्गू। हग्गू, मेरे से गलती हो गई, तेरे को जस्टिस चाहिए। तू मुझे मेरे भाई, मेरे को डायरेक्टली बोलता ना कि तेरे को जस्टिस चाहिए, मैं देता तेरे को जस्टिस। मैं देता ना तेरे को जस्टिस। जस्टिस चाहिए सारे, जस्टिस चाहिए। ओके गाइस, इनफ जस्टिस हैज बीन सर्वड। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। ओहो हो, दया की गर्लफ्रेंड की किसी और से शादी हो रही है। Oh shit man. Oh no. दया पूरी जिंदगी दरवाजे तोड़ता रह गया, वो उसका दिल तोड़ के चली गई। रुक रुक रुक, इससे भी बेटर आया, दया शादी तोड़ दो। रुक 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 रुक, इससे भी बेटर आया, आज दरवाजे की जगह कुछ और भी टूटेगा। दया के दिल सालो। भाई यार बताओ, मतलब दया तक को सच्चा प्यार नहीं मिला तो हम क्या ही चीज है। इंडियन अंकल्स आफ्टर ईटिंग छोले भटूरे। Mucha gracias afición, esta bada bolo. ये कितने डकार लिया था। ओ माय गॉड, मैं भी लूंगा, रुक जा, मेरे को भी आते हैं फेक डकार लेने। अरे बहुत छोटा था, रुको रुको, आएगा आएगा, अभी लंबे वाला आएगा। मुचा ग्रेसियस एफिशियन एस्टा वाला बॉस। रिंचा एक पूजा, आपको बताओ ट्रिगर इंसान के साथ कोलैब कर चुकी है, कुछ महीना ही हुआ उनका कोलैब किया हुआ, लेकिन अभी उनका जो एक इंटरव्यू आउट हुआ है जहाँ पे जब उनसे ट्रिगर इंसान के बारे में पूछा गया तो ऐसा लग रहा था कि वो जो खुश नहीं है, मतलब गुस्सा है, पता नहीं, आप देखिए ना वो। उन्होंने आपको घुटने, अरे वो बच्चा है यार, बच्चे उसको फॉलो करते हैं, बच्चों वाली बातें करता है वो, हरकतें भी उसकी वही है, तो फिर क्या बच्चा ही हुआ। और मैं मिली हुई उससे कुछ अभी हाथ नहीं लगा यार, क्या बात, मैं मिली उससे कुछ खास नहीं लगा। अरे तो मैं कौन सा तेरे साथ रिश्ता बनाने आया था। बच्चे उसको फॉलो करते हैं इसलिए वो बच्चा है, ये कैसा लॉजिक है। ये कौन सी सेंस बनी, बच्चे उसकी वीडियोस देखते हैं तो बच्चा है, हैं? आई ये इसका सही में बैगन वाला लॉजिक था। तो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आई कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। बैगन बैगन। मेरे हिसाब से तो मैंने उससे बहुत नॉर्मली कैजुअली बात करी थी, हमारे बीच में तो कोई बहुत ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी, तो वो बच्चा है, मतलब क्या। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती, ना भाव देती किसी को, बाकी उनके मैसेज आते रहते हैं, ठीक है, कभी रिप्लाई कर दिया कभी नहीं। मैसेज आते रहते हैं, उनके मैसेज आते रहते हैं, मैं मैसेज करता रहता हूँ इसको। एक मिनट गाइस रुक जाओ। तो ये मेरी और ढिंचक पूजा की पूरी चैट है जो तुमको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, ठीक है। इसमें आज तक सिर्फ एक ही मैसेज जो है वो अनसेंड हुआ है, वो आज से 2 साल पहले। तुम्हें याद है मैंने एक ट्रुथ एंड डेयर वीडियो बनाई थी, उसमें मेरे को किसी ने डेयर दिया था कि ढिंचक पूजा को प्रपोज करो, तो मैंने तब इसको प्रपोज कर दिया था और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद अनसेंड कर दिया था वो मैसेज। तो दैट इज द ओनली मैसेज जो यहाँ से अनसेंड हुआ है, उसके बाद से यहाँ से कोई मैसेज अनसेंड नहीं हुआ है। तो रैंडम पिछले साल जुलाई 14 को ढिंचक पूजा का मेरे को मैसेज आता है, ढिंचक पूजा का मेरे को मैसेज आता है, हे आर यू इंटरेस्टेड इन कोलैबोरेशन, इफ यस डू लेट अस नो। और मैंने करा तेरे को मैसेज क्या सामने से, तो मेरे साथ वीडियो बना, जिसका मैंने रिप्लाई करा कि हाँ ठीक है, क्या कोलैबोरेट करें। उसने बोला रील करते हैं, मैंने कहा ठीक है करते हैं, उसके बाद बात ही नहीं हुई हमारी। जुलाई में फिर से बात ही नहीं हुई, अगस्त में फिर से मैसेज आया, अब किसका मैसेज आया सोच, फिर से ढिंचक दीदी का सामने से मैसेज आया, एनी सजेशंस फॉर द वीडियो। मैं कर रहा हूं
हो गया मैसेज इसको, उसके आ रहे हैं सामने से भाई। नहीं भाई पर आप बच्चे हो भाई, पर नहीं नहीं भाई आप बच्चे हो, मैं बच्चा हूँ। गाइस गाइस इसकी वीडियोस बच्चे देखते हैं इसलिए ये भी बच्चा है। दिनचक पूजा जब वीडियो बनाने आई वहाँ पे सेट पे बहुत सारे लोग थे जिनके लिए वो नई थी, ठीक है, तो वो ऑकवर्ड ना फील करे इसलिए मैं उसको एक वो होता है ना कि थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव करते हो तुम किसी के साथ ताकि उसको आउट ऑफ द प्लेस फील ना हो, बस वो कर रहा था। एंड इसलिए उसकी हरकतें बच्चों जैसी है, हमारी तो इतनी बातचीत भी नहीं हुई, मैं उसको सिर्फ समझा रहा था कि वीडियो में हम ये सब करेंगे। एंड वीडियो से याद आया, लोगों को लगता है कि वीडियो में जो ढिंचक पूजा ने मेरे ऊपर रोस्ट करा वो ढिंचक पूजा ने रोस्ट करा है, अबे लोगों को ये नहीं पता कि वो भी भाई लाइंस मैंने लिख के दी है। वो एक स्क्रिप्टेड सेगमेंट था रोस्ट बैटल वाला जहां पे मैं एक रोस्ट करूंगा फिर वो उसका सामने से रिप्लाई करेगी, वो स्क्रिप्ट मैंने और मेरी टीम ने खुद लिखी है, तो हमने स्क्रिप्ट दी है उसको, उसको तो ढंग से बोला भी नहीं जा रहा था। मेरा मूड है यार, मैं मूड पे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओ माय गॉड, वैसे भी ज्यादा किसी को भाव के दे और वो बहुत छोटा है, क्या है उसका मेरे को ज्यादा पता नहीं उसके बारे में, लेकिन बोल रहा था उस दिन वहाँ पे शूटिंग चल रही थी ये वो मजाक कर रहा था मैंने, हाँ ठीक है मैं तो उसे बात नहीं किया ज्यादा, अपना शूटिंग किया बस ठीक है और क्या। You know, the problem is not कि ये ऐसा बोल रही है, the problem is जिस टोन से ये बोल रही है as if मैंने कुछ गलत करा हो, ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं मैंने इसको इज्जत देख के सेट पे एंड इसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव करके ताकि इसको आउट ऑफ द प्लेस फील ना हो कुछ गलती करी है और इस वजह से मैं तो, ये तो बच्चा है। भाई मेरी बात सुनो, आज के बाद किसी के साथ भी इज्जत से बात मत करो, गालियां गुलियां देके बात करो तब सही है, दो चार गालियां दे दी होती ना सेट पे तब सही था, ये बहुत बढ़िया भाई ये तो गीगा चैट है। अरे पता है दिक्कत यही तो है, उसको गालियां सुनने की आदत है ना। नहीं कैसे, कमेंट्स तो डिसेबल्ड होते हैं। अभी भी कोई रीजेंट विजेंट गाना डाला होगा कमेंट बंद कर रखे होते हैं, मैंने पूछा कमेंट्स क्यों बंद होते हैं, कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं। अच्छा। अरे ये क्या हुआ, अरे अरे मम्मी बात तो सुनो, मम्मी यार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था यार आपने बीच में बंद कर दिया, अरे मम्मी समझने की कोशिश करो यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला वहां, मम्मी यार मेरी लाइफ में ड्रामा की कमी थी जो मेरे अपने भाई ने उसमें आग लगा दी, और मेरी क्या गलती थी, क्या कसूर था मेरा मिलोर्ड, क्या किया है मैंने, सिर्फ एक पॉडकास्ट Spotify पे उस पर इतना क्या गुस्सा हो ना, और थोड़ी सी कहानियां ही सुनाई है ना अपनी लाइफ की, अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की, उसके बदले में क्या मिला, मेरे सगे खून ने जाके मम्मी को चुगली कर दी, और सिर्फ मैंने ही कहानियां नहीं सुनाई, कुछ फ्रेंड्स भी थे, कुछ गेस्ट भी थे, कुछ फैंस भी थे, उन्होंने भी कहानियां सुनाई है, फनी कहानियां, डरावनी कहानियां, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कह रहा। बाहर आ निश्चय, पापा को बुलाऊं क्या, देख रहे हो क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत डांट पड़ने वाली है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ Spotify पे जाओ और मेरा पॉडकास्ट सुनो ट्रू स्टोरी ब्रो, और मेरे घर वालों को बताओ कि मैंने कुछ अनाप चनाप नहीं बोला है, प्लीज। निश्चय बाहर आओ। अरे लग गए। तो गाइस सुनिए मेरा फर्स्ट ओरिजिनल फर्स्ट ऑफिशियल Spotify पॉडकास्ट ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान ओनली ऑन Spotify। Spotify पे जाओ ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान सर्च करो या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उस पर क्लिक करके चले जाओ एंड सुनो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट और उसको फॉलो भी कर लेना, 5 stars भी दे देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। आलिया भट्ट, व्हाट, ओह माय गॉड, मैं भी सिंगर हूँ सालो ऐसे तो। मटक मटक जैसे रवि टंडन आग लगाने आई है बंडर गोली चल गई डाई। ईगो मेरे ती नकरे वलेती, नाक से गा रही है भाई ये मेरे शरे शम्मिया। नकरे वलेती ईगो मेरे ती टशन दिखाती फुल, अरे जंगी मुल्ली बुल कर गई गल 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 गल। तभी तो ब्रह्मास्त्र में वो सिर्फ शिवा शिवा कर रही थी। अरे अरे पीछे डीजे डीजे शिवा ही तो था, पीछे तो गाने बजा रहा था। मैं भी कर रहा हूँ। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ क्या कुछ रियल अकाउंट से आओ। व्हाट्स योर फेवरेट एनिमे, बिकॉज़ यू सेड यू लाइक एनिमे।
Wow, I have a lot. But my name, me online talking name in is, English you with know, customer care. Everyone in my family. She's based off the main character. मेरा बेटा है. क्या समझा? कुछ नहीं समझा. बेस्टा क्या समझा? कुछ नहीं समझा. भाई पता ही नहीं क्या बोल रही थी. मीरा है मिक्की, मीरा है निक्की. मुझे लगा मैंने पूछा है फेवरेट एनिमे, मेरे को लगा बोल देगी नारुतो है, ड्रैगन बॉल है, कुछ ऐसा बोलेगी. ऐसा कुछ बोला जो मुझे समझ नहीं आया. फिर वो टाइमिंग बहुत सही है. क्या समझा? कुछ नहीं समझा. ऑस्टिन जोकर भाई. ओए ओहो, गैंगस्टर ऑस्टिन ने भाई गोली निकाल दी. किसी ने कंधा लगा दिया भाई. कसम दे दी लड़की ने. नहीं भाई कभी गोली नहीं यूज करनी भाई. कसम दे दी भाई. लड़की ने हल्की सी टक्कर मार दी. अब लड़की उसको मारेगी. अच्छा उसने कसम दी थी इसलिए उसने गोली नहीं मारी. ओ माय गॉड भाई आ भाई किडनी टचिंग स्टोरी भाई. भाई मेरे तो कुछ समझ नहीं आया. भाई मेरी किडनी में हार्ट अटैक आ गया. सही में ये वीडियो अपने चैनल पे लाइव मत करियो, रेस टाइप की स्क्रिप्ट लीक हो जाएगी. भाई एक बार चाकू का साइज देख और ऑस्टिन भाई का साइज देख. इतने से चाकू से उसका क्या होगा? कम से कम तलवार तो लेके आ. यार एक बहुत सैड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. ये मेरे फेवरेट अंकल है भाई. इशू को देखते हैं अक्सर. वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है. अरे इंग्लिश सिखाते हैं. अभी हम लोग कल ही मिले हैं और मुझे बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि हम लोग शायद अब लास्ट टाइम मिल रहे हैं. आज सुबह उसके पेरेंट्स का मेरे को कॉल आया. बेचारा दोस्त चल बसा उनका. मतलब मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है. हालांकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ इन चीजों में. इन चीजों को मैं बहुत प्रैक्टिकली लेता हूँ. बट ही वाज जस्ट पार्ट ऑफ माय फैमिली इसलिए मेरे लिए इस चीज को डाइजेस्ट कर पाया. अरे मैं यही हूँ. ये घड़ियाली आंसू है. घड़ियाली आंसू. घड़ियाली आंसुओं को अंग्रेजी में क्रोकोडाइल टीयर्स कहा जाता है और घड़ियाली आंसू बहाने को टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स. मैं एकदम पागलों की तरह हंस रहा हूँ. पागलों की तरह हंसने को लाफिंग हिस्टेरिकली बोलते हैं. ऐसे और इंग्लिश की जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल ट्रिगर्ड इंसान को फॉलो करें. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody.